पिछले दिनों पपरवाटार से बरामद किए गए 3 गोली सहित 2 अवैध देसी कट्टा बरामद मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी कार्यालय से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने मंगलवार को 2 बजे प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार लोगों में जीतन कुमार दास, डब्लू कुमार दास और मनोज चौधरी शामिल है। जानकारी देते हुए गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत पपरवाटार स्थित रोड के किनारे गुमटी के बगल में सीमेंट की बोरी भरे बालू में अवैध हथियार एवं गोली छुपा कर रखा हुआ है। सूचना का सत्यापन को लेकर सदर SDPO जीतवाहन उराव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद सत्यापन के क्रम में पपरवाटार स्थित रोड के किनारे गुमटी के बगल में सीमेंट की बोरी भरे बालू में छुपाकर रखे 2 अवैध देसी कट्टा एवं 3 जिंदा गोली बीते शनिवार को बरामद किया गया। बताया कि जांच के क्रम में यह बात निकलकर सामने आई कि उक्त अवैध हथियार का प्रयोग जीतन कुमार दास द्वारा अशोक दास को अपनी मंगेतर से शादी करने से रोकने के लिए फंसाने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि जीतन कुमार दास अशोक दास की मंगेतर से शादी करना चाहता था, जिसके बाद पूरे मामले में गहनता से जांच की गई। और उसके अलावा इधर अवैध हथियार को लाने और इस मामले में संलिप्त डब्लू कुमार दास एवं मनोज चौधरी को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। अब पुलिस तीनों को जेल भेजने की प्रक्रिया में जुट गई है। मौके पर SDPO जीतवाहन उराव व अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पपरवा टाड़ में जो एक गुमटी है उसके बगल में सीमेंट के बोरे में हथियार है, और इस सूचना को लेकर तुरंत जो है टीम गठन किया गया था, छापामारी की गई थी, और उस समय हम लोग को 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली बरामद हुआ था। चूँकि उसका पोजीशन जो था वो एक गुमटी के साइड में रखे हुए था, तो इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से करना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा था, और इसको लेकर के टीम बनाया गया SDPO सदर के नेतृत्व में, और इसकी जांच की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया। और इसमें जो बात सामने आई वो ये है कि अशोक दास, जिनकी शादी होने वाली थी 10 दिसंबर को, और उसी का वो गुमटी था जिसके बगल से ये बरामद हुआ था। लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो था जीतन कुमार दास, जो इस कांड का प्राथमिकी अभियुक्त है, और जीतन कुमार दास जो कि अशोक दास जिनकी जिससे उसकी शादी होने वाली थी, और उसी से वो भी शादी करना चाहता था, ऐसा पूछताछ में जानकारी मिली है। और इसी को फंसाने के लिए उसके द्वारा जो है ये 2 देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली और उसके गुमटी के बगल का जो सीमेंट का बोरी था उसमें छुपा करके रखा गया था। और इसमें जीतन कुमार दास के साथ साथ डब्लू कुमार दास और मनोज चौधरी, इन लोगों की भी संलिप्तता थी। इस हथियार को उन लोगों के द्वारा इसे दिया गया था, और ये सभी किसी कट्टा इसको फंसाने का उद्देश्य था, क्या इसको हत्या करने का उद्देश्य था अशोक दास? नहीं, ये बेसिकली अभी फंसाने का ही उद्देश्य लग रहा था, क्योंकि जो अशोक दास की शादी होने वाली थी 10 दिसंबर में होने वाली है जी, वो चाहता था कि इसकी शादी ना हो, इसलिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। कहाँ से गिरफ्तारी की गई है? ये विभिन्न जगहों से हुई है गिरफ्तारी तीनों की, और जैसे सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग। जय मशीनरी स्टोर प्राकर शोरूम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए हम लाए हैं दमदार इंजनों वाले ट्रैक्टर्स। हमारे पास है स्कॉट्स कंपनी की यूरो 41 प्लस 45 हॉर्स पावर वाली, पावर ट्रैक 439 DS प्लस, ऑल्ट 4043 हॉर्स पावर वाली, और पावर ट्रैक 434 DS प्लस, LMHR 37 हॉर्स पावर वाली, जैसी दमदार परफॉर्मेंस वाली शानदार ट्रैक्टर्स, जिसमें है 3 सिलेंडरों वाला हैवी इंजन, जिससे आपको बड़े काम करने में और भारी ट्रॉली को खींचने में बहुत ही आसानी होगी। हमारे पास ट्रैक्टर्स के अलावे इसकी सभी स्पेयर पार्ट्स और कृषि उपकरण भी उपलब्ध है। हमारे शोरूम में ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा त्योहार 1 से 12 अक्टूबर नवरात्रि के शुभ अवसर पर पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक लाइन और ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा त्योहार 12 दिन में 501 इनाम पे हर एक ट्रैक्टर की खरीद पर लकी ड्रॉ की सुविधा उपलब्ध है। इस लकी ड्रॉ में कार, मोटरसाइकिल, बैंकॉक ट्रिप,
गोवा ट्रिप एलईडी टीवी जहां से आकर्षक इनाम जीतने का मौका पाए, तो जल्दी करें कहीं यह सुनहरा मौका छूट ना जाए। यह ऑफर पूरे भारत में लागू है। हमारे यहां खरीदारी के लिए फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, तो देर न करें, जल्द पधारें और साथ ही जय मशीनरी स्टोर की तरफ से 8,40,000 का ट्रैक्टर मात्र 7,35,430 में मिलेगा और साथ ही ट्रॉली भी मुफ्त दी जाएगी। हमारा पता है जय मशीनरी स्टोर, ऑपोजिट रॉयल ग्लोबल स्कूल, बोडो, गिरिडीह।